हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्यूशंस एट ग्लांस। आज इस वीडियो का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। इस वीडियो में तीन एग्जांपल समझाए हैं। ये तीन एग्जांपल सॉल्व करने के बाद आप कोई भी फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, हमारा जो पहला बेसिक क्वेश्चन है फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का, एक फ्रैक्शन है 4/3 और एक फ्रैक्शन है 1/6। इस फ्रैक्शन को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 1 हमारे पास आ जाएगा 4 और 3 × 6 हमारे पास आ जाएगा 18। गाइस, हम इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं 2/9, बिकॉज हमें पता है 2 × 2 = 4 एंड 2 × 9 = 18। therefore द आंसर इज 2/9। और नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 2 1/3 × 4/5। तो गाइज, यहाँ पे भी दो फ्रैक्शंस हैं। एक फ्रैक्शन है हमारा मिक्स्ड फॉर्म में 2 1/3, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और एक ये हमारा दूसरा फ्रैक्शन है। अब इसे मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हमें इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और हमने पिछली वीडियोस में समझा हुआ है हम कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 3 × 2 + 1/3। ये जो फ्रैक्शन है जो हमने कन्वर्ट किया है उसके बाद आएगा मल्टीप्लिकेशन में ये वाला फ्रैक्शन 4/5। तो इसका जो ओवरऑल आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद 3 × 2 = 6 + 1 = 7/3 × 4/5। वापस सेम रूल, मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो 7 × 4 = 28 एंड 3 × 5 = 15। तो इसका आंसर आ जाएगा 28/15। जो थर्ड एग्जांपल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेम रूल फॉलो होगा इसमें भी। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा 13 × 4 - 4 एंड 5 × -2। सो जो ओवरऑल आंसर आएगा 52 - 52 एंड -10। सो जो गाइस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करने के बाद हमारा ओवरऑल आंसर आएगा 26/5। इस वीडियो में हमने तीन एग्जांपल्स के साथ सारे वेरिएशन समझ लिए हैं। सो गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो बाय फॉर नाउ।